सिर्फ आज के दिन नहीं बल्कि 2005 से योगा कंटिन्यूसली कर रहा हूँ। और तेरा मतलब जब पढ़ने मिलता तब जल्दी उठता है, तब भी कोशिश करते हैं कि और जल्दी नीचे कम से कम 10 मिनट तो योगा करें, जिससे इनर जो स्ट्रेंथ है और दिमाग जो है काफ़ी शांत रहता है, कंट्रोल में रहता है, और फोकस हम एक्टर्स के लिए बहुत ज़रूरी है जो योगा से मिलता है। आई थिंक इसमें बिल्कुल, मैं आज सबसे पहले यहाँ गया था सुबह और मंदीप को मिला और बहुत अच्छा लगा मंदीप के साथ ये सेशन। और योगा मैं पिछले 2-3 महीने से कर रहा हूँ, लेकिन आज जिस तरह से इन्होंने सिखाया है, थोड़ा आसान करके बताया और इंटरेस्टिंग करके बताया हॉट योगा, तो मुझे लगता है अभी मैं दिन में एक बार करता था, मतलब सुबह, इतना जल्दी नहीं करता था रोज़, मैं करीब करता हूँ सुबह 8:30 बजे, तो अब उसको मैं 2 बार करने की सोच रहा हूँ। और आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है कि योगा सब लोग करें, इसका धर्म और जाति से कोई संबंध नहीं है। जितना आप योगा करेंगे उतना आप हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, डॉक्टरों से दूर रहेंगे, डॉक्टर लोग चिढ़ रहे होंगे। आज का एक्सपीरियंस, सबसे पहले तो हमें मोदी जी को शुक्रगुजार हैं मोदी जी के कि उन्होंने इसको इतना बड़ा एक अवसर बना दिया। अब तक तो हम योगा करते आए थे, लेकिन अब एक अवसर बन गया और हिंदुस्तान जो है उसका जो ध्वज है वो लहरा रहा है, बिकॉज ये यहाँ से उत्पन्न हुआ है, यहाँ से जन्म हुआ है। और ये इसका मज़ा है कि हम खुद भी भूल चुके हैं, मोदी जी ने हमें भी याद दिलाया कि भैया योगा करो, पूरे देश को करना चाहिए, बच्चों को करना चाहिए। हम तो मंदीप के साथ योगा करते हैं, हॉट योगा करते हैं, एक चीज़ है, योगा के मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं, उसमें से एक है हॉट योगा, हम लोग हॉट योगा करते हैं। योगा के बेनिफिट्स तो खैर सभी ने बताए और वो तो उसकी तो कोई लिस्ट इतनी लंबी है कि उसका कुछ ना कहा जाए। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अब योगा किया जाए, और राखी ने बड़ा एक अच्छा स्लोगन दिया कि योगा से ही होगा।